गाइस वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज मैं आया हुआ ईद उल अज़हा कपड़े सिलाने वहीं सीजन टेलर पे, जब मैंने लास्ट टाइम ईद उल फितर के कपड़े कराए थे। ईद उल अज़हा बड़ी ईद को कहते हैं, तभी हम यहाँ कपड़े सिलाने आए। तो आज ये दुकान में चलते हैं, दिखाते हैं मैं क्या सिलवाता हूँ इस बार। अभी हम खाना खाने आए, अभी हम कपड़े बाद में सिलाएंगे क्योंकि अभी कपड़े हमारे मतलब पे नहीं था और हम जिस दूसरी दुकान से कपड़ा लेना चाहते थे वो दुकानें भी बंद थी। तो अभी हम अजमान की तरफ आए हैं सिंध शहबाज खाने। इनकी बड़ी तारीफ सुनिए कि इनका खाना अच्छा होता है, तो आज आज देखते हैं कि इनका खाना अच्छा होता है, इज इट वर्थ द मनी। तो आज चलते हैं। सैलेड आ गई है, अभी हम खाने का वेट करते हैं। हमने बहुत ही स्पेशल आइटम यहाँ का मंगाया है, तो आज हैं इसका वेट करते हैं। अभी ये सैलेड है, इसकी डेकोरेशन बड़े अच्छे से सजा के सैलेड दिए, तो अब देखते हैं खाने में खाना कैसे सजा के देते हैं। ये रबड़ी हमने पहले मीठा मंगा लिया, अब इसको बाद में टेस्ट करेंगे बिल्कुल आखिरी में, लेकिन अच्छी लग रही है, कह रहे हैं कि कराची की है, तो अब देखते हैं कैसी होगी। तो ये हर चीज़ अब इसको हम टेस्ट करके बताते हैं। पहले हम ये खाएंगे मटन कढ़ाई, तो आ जाएं। तो कढ़ाई तो बहुत ही अच्छी, मटन की बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अब ये चिकन के सीख कबाब ट्राई करते हैं। आधे गिरी बहुत मज़े के, बहुत अच्छे से, मतलब धुला हुआ गोश्त है, बहुत सॉफ्ट है। अब हम ये चिकन चर्सी कढ़ाई करते हैं। ये आ जाए, ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, लेकिन खाना बहुत ही अच्छा था। मैंने बिरयानी खाते वीडियो नहीं बनाई, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। और अभी हम देखते हैं आगे हम क्या करते हैं, तो आ जाए। हमने अपना खाना हमारा आ चुका है मंडी, तो अभी दिखाता हूँ क्या मंडी आई है। तो दिखाते क्या मंडी कैसी है यहाँ की। ये मंडी आ गई, इसको हम अब खोल के आपको दिखाते हैं। तो हमने चार मंडी मंगवाई हैं, तो अब दिखाते हैं कि ये सारी चिकन की हैं, सेम ये बॉयल मंडी, बॉयल चिकन हो गई। तो आ जाए दिखाते हैं इसको खोल के। तो ये चिकन की मंडी और ये लेग का पीस, और जैसे आप देख सकते हैं कितनी जूसी है अपना खाना। तो अभी दूसरा दिन है, तो हम अभी जा रहे हैं कुछ सामान लेने एक स्पोर्ट्स की दुकान। तो आ जाए उस दुकान में चल के मैं दिखाता हूँ मैं क्या लेता हूँ वहाँ से। तो आ जाए, तो अभी हम पहुँच गए दुकान में, तो देखते हैं अंदर जाके मैं क्या खरीदता। तो आ जाए,
लेना था ले लिया, एक सॉक्स लिए और शॉर्ट्स लिए। तो ये दुकान है रोमारियो स्पोर्ट्स यूएचएल, ये यहीं नादा में लोकेटेड, अगर आप गूगल कर कर आएंगे तो आपको यही लोकेशन पर ला के देगा। तो अभी हम चलते हैं, आज मेरी फुटबॉल की क्लास है तो आ जाएं। ये इसलिए लिया फुटबॉल का, ये एक शॉर्ट होता है टाइट टाइप का होता है, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये स्ट्रेचेबल है जिसकी सिलाई हुई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं डबल साइडेड है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि फटता नहीं है और ये मुझे टर्फ से लगने से बचाता है। और अगर आप टर्फ से लगते ना तो आपकी पूरी खाल छिल जाती है, जिससे आपकी ब्लीडिंग होती है और खून निकलता है, तो ये उससे भी बचाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल तो ये फटता भी नहीं है, तो ये इसका एक फ़ायदा है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो अभी मैं ट्रेनिंग से आ चुका, मैं बहुत थका हुआ था। अभी हम जिस काम के लिए वीडियो शुरू हुई थी कुर्ता सिलाने के लिए वो जा रहे हैं। अभी होपफुली दुकानें खुली होंगी क्योंकि 10 बजे सारी मार्केट शारजा की बंद हो जाती होंगी। तो अभी 8:30-7:30 बजे तो दुकानें खुली होंगी, तो हम शारजा जा रहे हैं, तो आ जाए वहीं से आके मिलते हैं। अभी हम दुकान आए तो हमने ये कपड़ा फाइनल किया ईद के लिए, जो सेम हम कपड़ा हमने लिया सेम अपने मास्टर साहब के पास है, हम शारजा उसी दुकान के पास। तो ये कपड़ा अभी हम अभी हम ईद पे आएंगे, ईद से 2-3 दिन पहले, तो ये कपड़ा हम दिखाएंगे कैसे सिए उन्होंने। सही है, तो अभी फाइनली हमने कपड़ा दे दिया, तो अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे ईद के कपड़े। तो आप लोग सोच रहे होंगे इस व्लॉग में, तो आपने जिस मकसद के लिए कपड़े सिलाने के लिए वीडियो बनाई थी वो तो कम पार्ट दिखाया, ज़्यादा खाना खाया। तो वीकेंड है, तो वीकेंड में हम ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, मतलब क्योंकि पूरा हफ्ता हम घर का खाते हैं और ज़्यादातर वीकेंड पर हम बाहर का खाते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि तो आप लोग ये ना समझे कि अहमद भाई रोज़ बाहर का ही खाना खाते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।